नमस्कार मित्रों, आज हम महान्यायवादी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजी जिसको कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 74 75 हम पढ़ चुके थे। अब हम अनुच्छेद 76 की बात करते हैं, यानी महान्यायवादी का उल्लेख जहाँ पर है। तो हम आज महान्यायवादी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो महान्यायवादी कौन होता है? साधारण सी भाषा में महान्यायवादी का अर्थ है भारत सरकार का वकील। अब अगर कोर्ट में कोई भी केस भारत सरकार के विरुद्ध आता है, भारत सरकार के खिलाफ कोई केस आता है, जो कि आते रहते हैं, हमने बताया था कि जो भी मौलिक अधिकार हैं वो सारे के सारे सरकार के विरुद्ध होते हैं, तो सारे मौलिक अधिकार, हर किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो सीधा सरकार के ऊपर ही केस होता है। तो सरकार की तरफ से केस लड़ने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको कोई विधिक जानकारी तो है नहीं, या वो विधिक एक्सपर्ट तो है नहीं। तो सरकार की तरफ से, सरकार की ओर से केस लड़ने के लिए एक व्यक्ति होते हैं जिनको हम महान्यायवादी कहते हैं। एक प्रकार से वो भारत सरकार की पैरवी करता है, भारत सरकार के लिए केस लड़ता है, जिसको नाम दिया गया है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इसका उल्लेख भी संविधान में है। संविधान में महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। आज महान्यायवादी पढ़ते समय हम महान्यायवादी से जुड़े तीन महत्वपूर्ण अनुच्छेद आते हैं, वो है अनुच्छेद 76 जो स्पेशली केवल महान्यायवादी के बारे में जिसका उल्लेख है, अनुच्छेद 88 जहाँ वहाँ पर भी महान्यायवादी के बारे में कुछ बात लिख रखी है, और अनुच्छेद 105 जहाँ महान्यायवादी के कुछ विशेष अधिकार हैं उसके बारे में लिख रखा है। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अनुच्छेद 76 क्या कहता है। अनुच्छेद 76 में चार बातें लिख रखी है, वो चार बातें मैंने सीधा सीधा जो भी अनुच्छेद में लिख रखा है वो मैंने सारा यहाँ पर लिख दिया है। क्या लिखा हुआ देखते हैं। अनुच्छेद 76 फर्स्ट क्लोज वन क्या कहता है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। दो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ रही है अनुच्छेद 76 में। पहला तो यही होगा कि महान्यायवादी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, पहला सवाल यहीं से बनता है। तो अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है, महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है। स्पेशली यही एक अनुच्छेद जो महान्यायवादी, केवल महान्यायवादी से संबंधित है। क्या कहता है? पहली बात कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, तो इसका जवाब यहीं मिल रहा है, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे। दूसरी बात, उसके लिए योग्यता क्या है, वो भी अनुच्छेद 76(1) में लिख दिया गया है। और वहां यह लिख दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, उसके लिए जो अर्हित है, उसके लिए जो एलिजिबल है, उनको ही राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्त करेंगे। और यहां पर यह भी ध्यान देने वाली बात है जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, महान राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से इनकी नियुक्ति नहीं करता है, ये केंद्र सरकार मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनकी नियुक्ति करते हैं। अब दूसरी बात हमें यह जानने की है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल से जानेंगे। एक साधारण भाषा में मैं बता देता हूँ, सिंपली उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष वकील रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो, या किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जज रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका, अथवा तीसरी बात ये भी लिख रखी है कि वह राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेता हो। अगर ये दोनों भी नहीं हैं, अगर वो राष्ट्रपति की नज़र में कोई पारंगत विधिवेता है, विधि का जानकार है, तो राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर सकते हैं न्यायाधीश, इसका मतलब उसे महान्यायवादी भी नियुक्त किया जा सकता है। देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं लिख रखा कि वो न्यायाधीश होना चाहिए, उस जैसी योग्यता होनी चाहिए, ऐसा अनुच्छेद 76(1) कहता है। क्लियर। सेकंड बात करते हैं, 76 का क्लोज 2 महान्यायवादी के कर्तव्यों की बात करता है। महान्यायवादी के क्या कर्तव्य हैं? तो महान्यायवादी का ये कर्तव्य होगा कि वो भारत सरकार को विधिक संबंधी विषयों पर सलाह दे, विधिक सलाह दे, न्यायिक सलाह दे, संवैधानिक सलाह दे, ये कर्तव्य होता है महान्यायवादी का। और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे, ऐसे वो सभी कार्य करने हैं जो राष्ट्रपति, विधिक संबंधी वो कार्य जो राष्ट्रपति उन्हें सौंपता है। राष्ट्रपति उन्हें मेनली यही कार्य सौंपता है कि उच्चतम न्यायालय में वो भारत की पैरवी करे, न केवल उच्चतम न्यायालय में बल्कि उच्च न्यायालय में भी वो भारत की पैरवी करता है। और हमने पढ़ा था
अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी संवैधानिक विषय पर, सार्वजनिक विषय पर सलाह ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। तो एक प्रकार से वहाँ पर भी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व यही करते हैं महान्यायवादी, और उन कर्तव्यों का निर्वहन करे जो इस संविधान में लिखा हुआ अथवा तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा, यानी कभी भी अगर विधि द्वारा कोई अन्य कार्य उनको सौंपे जाए तो वो सभी कार्य महान्यायवादी को करने हैं, ऐसा कर्तव्य लिख रखा है 76(2) में। 76(3) में क्या लिख रखा है, महान्यायवादी को अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार हो। भारत के क्षेत्र में जो भी न्यायालय आते हैं उनमें सभी में सुनवाई का अधिकार महान्यायवादी का होगा, फिर चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो, चाहे देश के सारे 24 उच्च न्यायालय हो अथवा अधीनस्थ न्यायालय में। हालांकि महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय में ही सुनवाई करता है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में भारत सरकार के विरुद्ध मामले नहीं जाते हैं, सामान्यतः नहीं जाते हैं, तो वो सामान्यतः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पैरवी करता है, उनके मुकदमे लड़ता है। अनुच्छेद 76(4) बहुत महत्वपूर्ण बात, देखो 76(3) क्या कहता है, वो उच्चतम, केवल यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि महान्यायवादी केवल उच्चतम न्यायालय में पैरवी नहीं लड़ता, वो सभी उच्च न्यायालयों में भी भारत सरकार की पैरवी कर सकता है। चौथी बात क्या कहती है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, यानी कि ये हमें महान्यायवादी के कार्यकाल के बारे में बता रहा है। महान्यायवादी कार्यकाल कितना होता है, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, यानी कि मंत्रिपरिषद चाहेंगे वो अपने पद पर रहेंगे, और उस समय अगर नहीं चाहे तो उन्हें हटा सकता है। और इसका सीधा सार ये भी आ रहा है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी उन्होंने मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त किया है, जिस समय मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देते थे या सरकार चली जाती है, सामान्यतः महान्यायवादी भी अपना त्याग पत्र दे देता है। और दूसरी बात इसमें लिख रखी है कि उनको वेतन भत्ता है कितना मिलेगा, उनको पारिश्रमिक कितना मिलेगा, वो भी 76(4) में लिख रखा है, और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे, यानी इसका उल्लेख बाकी सबके बारे में ऐसा लिख रखा है जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, लेकिन यहाँ ऐसा लिख रखा है जो राष्ट्रपति अवधारित करे, यानी उन्हें वो वेतन मिलेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करते हैं, निर्धारित करते हैं, और सामान्यतः ये उतना ही वेतन होता है जितना किसी एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है, तो उतना वेतन महान्यायवादी को भी मिलता है। नोट डालकर मैंने जो बातें लिखी है जो इन अनुच्छेद में नहीं थी वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। महान्यायवादी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं, देखो अपना त्याग पत्र वो किसे दे देंगे, नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं तो अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। हमारे किसी मित्र ने पूछा था, मैंने पिछले वीडियो में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपना त्याग पत्र किसको देते हैं ये मैंने शायद डिस्कस नहीं किया था, कई बार कुछ छोटी बातें छूट जाती है, छोटी हालांकि महत्वपूर्ण बात थी, लेकिन मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपना त्याग पत्र, उनकी नियुक्ति प्रधान राष्ट्रपति करते हैं और वो अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। तो इसी प्रकार महान्यायवादी भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। दूसरी बात, महान्यायवादी को भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी या प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। देखो सुप्रीम कोर्ट CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी या सर्वोच्च विधिक अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नहीं कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। प्रथम विधि अधिकारी या सर्वोच्च विधि अधिकारी अगर सवाल पूछा जाता है तो वो महान्यायवादी को कहा जाता है, न कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये तो था अनुच्छेद 76 जो केवल और केवल महान्यायवादी के बारे में लिखा हुआ पूरा। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी के बारे में भी ये बात कही गई है, और संघ के जो भी सारे मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं सभी मंत्रियों के बारे में भी ये बात कही गई है। दोनों ही बात अनुच्छेद 88 में दोनों के लिए लिखी गई है, तो महान्यायवादी के लिए भी है, तो मैंने मंत्रियों के लिए भी लिख दिया और ये बात हम पहले कर चुके हैं। और महान्यायवादी के बारे में भी लिख रखा है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, संसद के दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, और दोनों सदनों की अगर संयुक्त बैठक भी होती है तो दोनों में भाग ले सकते हैं,
दोनों में वो बोल सकते हैं, अगर वो किसी समिति के सदस्य हैं तो उसमें भी भाग ले सकते हैं, उसमें भी संबोधन कर सकते हैं। हालांकि महान्यायवादी को मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। किसी भी सदन में सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, वह ऐसा कौन सा अधिकारी जो किसी भी सदन में भाग ले सकता है, उसमें बोल सकता है, संबोधन कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, तो वो महान्यायवादी होता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, इसलिए मतदान करने का अधिकार नहीं है, लेकिन एक विशेषाधिकार के रूप में वो संसद सदस्य की तरह उसमें भाग ले सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 किसकी बात करता है? यहाँ लिख रखा है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार। ये शक्तियाँ और विशेषाधिकार जो भी संसद के सदस्य हैं उनके बारे में है, तो साथ ही ये महान्यायवादी के बारे में भी, महान्यायवादी को भी वो सारी शक्तियाँ, वो सारे विशेषाधिकार और वो सारी उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती है जो संसद के सदस्यों को संसद के अंदर प्राप्त होती है। वास्तव में ये जो अनुच्छेद 105 है, संसद के अंदर जब संसद के अंदर वो भाग ले रहे होते हैं तब क्या उनको विशेषाधिकार होते हैं, क्या उनको उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती है, वो लिख रखा है। तो वो 105 में इसका उल्लेख है, उनके ऊपर किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही नहीं हो सकते जो भी कुछ वो बोलते हैं। तो इस तरह की शक्तियाँ विशेषाधिकार यहाँ लिख रखे, तो ये अनुच्छेद 105 भी महान्यायवादी से संबंधित है, उनकी शक्तियाँ और विशेषाधिकार की वो बात करते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उनके बारे में बात करते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है। हमने बात की एक प्रकार के भारत सरकार का वकील है, लेकिन ध्यान दीजिए ये भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है और ना ही ये लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। एक प्रकार से वकील है, इनको नियुक्त किया जाता है, संविधान में उसका उल्लेख है, लेकिन एक तरह से पूरी तरह से वो भारत सरकार के अधीन एक लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए वह अगर चाहे तो अपनी निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, सवाल पूछा जाता है, जब कथन पूछा जाता है कौन से कथन सत्य है कौन से कथन असत्य है, उसमें आता है महान्यायवादी जब नियुक्त कर लिए जाते हैं महान्यायवादी के तौर पर तो अपनी निजी प्रैक्टिस, किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो असत्य कथन है, गलत कथन है। महान्यायवादी नियुक्त किए जाने के बाद भी वह अपनी निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन वो निजी प्रैक्टिस करते समय भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह या विश्लेषण नहीं करेगा, क्योंकि वो उस समय महान्यायवादी है, भारत के अटॉर्नी जनरल है। तो किसी भी निजी व्यक्ति की पैरवी करते समय वो भारत सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता है। जैसे कि मान लो किसी कंपनी के लिए केस लड़ना है, टाटा कंपनी के लिए केस लड़ना है, तो वो टाटा कंपनी के लिए केस लड़ सकता है टाटा वर्सेज किसी व्यक्ति के विरुद्ध या किसी अन्य कंपनी के विरुद्ध, लेकिन टाटा वर्सेज भारत का केस, भारत सरकार का केस है, तो वो टाटा कंपनी के लिए उस समय केस नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो भारत सरकार के खिलाफ ही है। तो कोई ऐसा केस आता है किसी व्यक्ति का, किसी कंपनी का, जो सरकार के विरुद्धी हो, तो सरकार की तरफ से केस लड़ेगा, न कि उस व्यक्ति की तरफ से, क्योंकि वो महान्यायवादी के पद पर होने के बाद भारत सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार की सलाह या निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। जिस मामले में वो भारत सरकार की ओर से पेश हो रहा है उस पर वो किसी भी प्रकार के उसके विरुद्ध टिप्पणी नहीं कर सकता है, और भारत सरकार की अनुमति के बिना वो किसी भी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। देखो, हमने कहा निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन उसकी सीमाएँ क्या हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, क्या उस पर मर्यादाएँ आरोपित हैं। तो वो किसी निजी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है भारत सरकार की अनुमति के बिना, और ना ही किसी भी कंपनी के डायरेक्टर निदेशक का पद धारण कर सकता है। हालांकि अनुमति के साथ वो कर सकता है, पर सामान्यतः ऐसा अनुमति नहीं होती है। अब हम बात करते हैं जो भारत के प्रथम महान्यायवादी रहे हैं, वर्तमान में कौन है, इनके बारे में, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं देश के पहले महान्यायवादी कौन रहे, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो वो थे महेंद्र चंद्र सीतलवाड़, एम सी सीतलवाड़। अब ध्यान में रखेंगे एम सी सीतलवाड़ ही पूछा जाएगा। एम सी सीतलवाड़ देश के पहले महान्यायवादी रहे हैं और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा। आपको पता है कि पहली सरकार जो हमारी रही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, वो भी एक तरह से सबसे लंबी
सरकार वही उन्हीं की रही थी, सबसे लंबा कार्यकाल उन्हीं का रहा था, तब उन्हीं के कार्यकाल में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल पहले महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़ जो 1950 से संविधान लागू होने के बाद 1963 तक 13 साल तक वो अपने पद पर महान्यायवादी के पद पर रहते हैं। तो हमने जाना सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, अब हम ये भी जानते हैं सबसे छोटा कार्यकाल अब तक किसका रहा। तो सबसे छोटे कार्यकाल की बात करें तो महान्यायवादी रहे सोली सोराब जी, उनका कार्यकाल हालांकि ये दो बार बने हैं लेकिन जो उनका पहला कार्यकाल था दिसंबर 1990 से दिसंबर 1990 वो पहला कार्यकाल एक साल का रहा, तो अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल सोली सोराब जी का आता है। और अगला सवाल ये हो सकता है कि वर्तमान महान्यायवादी कौन है और वो किस क्रम के हैं, तो अभी वर्तमान न्यायवादी 15वें क्रम के हैं, वर्तमान न्यायवादी 15वें क्रम के महान्यायवादी है श्री के वेणुगोपाल, जिनको 30 जून 2017 से नियुक्त किया गया और वर्तमान में भी जब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जुलाई 2018 में वर्तमान में के वेणुगोपाल ही भारत के महान्यायवादी हैं। ठीक है, तो ये दो बात होगी भारत के महान्यायवादी की। इसके साथ एक और बात आती है अटॉर्नी जनरल के साथ साथ सॉलिसिटर जनरल, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल या फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आते हैं, महाधिवक्ता या अपर महाधिवक्ता। देखो राज्य में जो होता है उनको एडवोकेट जनरल कहा जाता है, जिसे केंद्र में भारत सरकार को सलाह देने के लिए न्यायिक अधिकारी विधिक अधिकारी होता है, ऐसे राज्य सरकार में भी राज्य सरकार को विधिक सलाह देने के लिए जो विधिक अधिकारी होता है उसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है। अब दूसरी बात यहाँ पर है सॉलिसिटर जनरल, ये वास्तव में महान्यायवादी को सहायतार्थ के लिए होते हैं, महान्यायवादी की सलाह के लिए, क्योंकि महान्यायवादी के पास पूरे भारत क्षेत्र के लिए कार्य क्षेत्र उनका इतना बड़ा है, तो उनकी सहायता के लिए भी सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। वो एक हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, उनके साथ ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किया जाता है, ये इनकी संख्या 4 तक भी हो सकती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। तो दूसरा सर्वोच्च विधिक अधिकारी सॉलिसिटर जनरल कहलाता है, हमने सर्वोच्च विधिक अधिकारी बात की थी अटॉर्नी जनरल, ये दूसरे सर्वोच्च विधिक अधिकारी है सॉलिसिटर जनरल, जिनका काम होता है महान्यायवादी की सहायता करना, और इनकी भी सहायता के लिए और भी जो नियुक्त किए जाते हैं वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या अपर महाधिवक्ता कहलाता है, इनकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है इनका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, ये सरकार अपने स्तर पर इनका नियुक्ति करते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने मेनली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी के बारे में बात की है। आज के वीडियो में बस यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।